नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बाप से बात करूंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं मल्टी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों मल्टी इंडिकेटर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मल्टी इंडिकेटर है जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर हमने ऑलरेडी कोड कर दिए हैं, जैसे 10-15 बेसिक इंडिकेटर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, आपका RSI हो गया, CCI हो गया, ADX हो गया। तो ये जो RSI और ADX के कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज और RSI के कॉम्बिनेशन पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग MACD और मूविंग एवरेज के सिग्नल्स पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप एक इंडिकेटर की बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यूज़ करते हो और सारे इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन के बाद जब अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी स्क्रीन पर ले जाकर के किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप 2-3 अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, तो उनको यूज़ करके प्रॉपर ऑटो ट्रेडिंग किस तरीके से होगा इसके बारे में ये वीडियो है। तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण राणा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एल्गो क्रैब के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मल्टी इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है और मल्टी इंडिकेटर किस तरीके से काम करेगा। तो मल्टी इंडिकेटर की ज़रूरत ये है दोस्तों कि जब आप 2 या 3 या 4 या 5 अलग अलग इंडिकेटर्स की कॉम्बिनेशन पे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार आइडिया नहीं लग पाता कि सारे इंडिकेटर किस डायरेक्शन में है, या फिर जब हम आइडिया लगा भी पाते हैं और उसके बाद जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और स्लिपेज आपने देखा होगा मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा स्लिपेज आती है। मतलब कि आप अगर मान लीजिए 100 रुपये पर आपका बाय आया, तो जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे आपको 100 रुपये 50 पैसे या 101 का प्राइस वहां पर देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी स्लिपेज में लोगों का जो टारगेट है वो बहुत छोटा हो जाता है और स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो मोमेंट मार्केट का निकल चुका है जिस मोमेंट पे आपको बाय या सेल करना था। तो इसके लिए हमने मल्टी इंडिकेटर बनाया है जो कि एक रोबोट है, यानी कि वो सारे के सारे जो आपकी कंडीशंस हैं वो सब जब मैच हो जाएंगी ना, एक जैसी हो जाएंगी ना, तो आपका ट्रेड आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे चला जाएगा डायरेक्टली। आपको मैन्युअली कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि आपको खुद से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, जिसका कि मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा जो कि एक वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। बार बार वो रिपीट नहीं करना आपको, सिंगल वन टाइम आपको वो काम करना है और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। वन टाइम जब आप उसको सेटअप करेंगे तो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपका सेटअप हो गया प्रॉपरली कंप्लीटेड, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब मल्टी इंडिकेटर पे वापस आते हैं और मैं ये बताता हूँ आपको कि मल्टी इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। मल्टी इंडिकेटर में आपको 10 से 15 अलग अलग इंडिकेटर्स मिलेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मूविंग एवरेज यानी सिंगल मूविंग एवरेज या डुअल मूविंग एवरेज यानी क्रॉसओवर जो होता है, तो मान लीजिए आप 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, उस इंडिकेटर में आपको 2 मूविंग एवरेज को ट्रू करना है और उसके बाद सारे पैरामीटर्स डाल देने हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा। तो जब भी 2 मूविंग एवरेजेस जो आपने बताई हैं वहाँ पर, जो आपने इनपुट करी हैं, उनके हिसाब से जब भी सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे ही मान लीजिए आप मूविंग एवरेज के साथ आप RSI और MACD इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो जाए, RSI का कंफर्मेशन भी मिल जाए, MACD का कंफर्मेशन भी मिल जाए, तब मैं ट्रेड करूंगा। अगर आप इतना स्ट्रांग होकर ट्रेड करना चाहते हो तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको उन तीनों को ट्रू करना है और उनमें पैरामीटर्स डालने हैं, जो पैरामीटर्स आपको चाहिए। तो जैसे ही आप पैरामीटर्स उसमें डालेंगे उसके बाद वो आपकी 3 पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करना शुरू कर देगा और यहाँ पर आपको 3, 4, 5 अलग अलग इंडिकेटर्स और अलग अलग इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करने का और उसके बाद उसका रिजल्ट देखने का ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मान लीजिए आप मूविंग एवरेज और RSI यूज करेंगे तो उसका डेटा आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा कि अभी क्या एक्यूरेसी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप RSI के साथ ADX को यूज करना चाहते हैं, CCI को यूज करना चाहते हैं, तो भी आपको उसके हिसाब से परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इससे आपका ट्रेडिंग करना, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी भी आपको इंडिकेटर में मिल जाएगी, जैसे कि आप पैरामीटर्स चेंज करेंगे
आपको प्रॉपरली उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एल्गो क्रैब का हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करके किस तरीके से आपको ऑटो ट्रेडिंग करनी है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एल्गो क्रैब का रजिस्ट्रेशन करते हैं आज तो आपको 6 दिन के लिए एल्गो क्रैब फ्री मिलता है और सारी की सारी सर्विसेज एल्गो क्रैब की आपको फ्री मिलती है। आपको कोई पैसा नहीं देना 6 दिन के लिए यूज करने के लिए। आप प्रॉपर ट्रायल ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो अभी दोस्तों जो आप देख रहे हो वो है एल्गो क्रैब की वेबसाइट। हमारी इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन खास आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जो कि APIs प्रोवाइड करते हैं, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए API प्रोवाइड नहीं करते। ऐसे ब्रोकर्स के साथ अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना API इसके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग नहीं होती। API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसकी मदद से हम आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर पाते हैं और किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेडिंग करवा पाते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप पेटीएम में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप स्टॉक और कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ₹15 पर ऑर्डर का आपका चार्जेस लगेगा। अकाउंट खोलने के लिए आपको ये वाली लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने से ही आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा और वहाँ से फिर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 6 दिन का ट्रायल लेने के लिए आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपको साइनअप पे क्लिक करना होगा। साइनअप पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल भरने के बाद जैसे ही साइनअप का बटन पर आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखें कि आप करेक्ट मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफिकेशन करें, उसके बाद पासवर्ड डाल के साइनअप करें। अब यहाँ पर साइन इन का बटन मैं दबा रहा हूँ। साइन इन के बटन को दबाने से दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखेगा इस तरीके का एक पेज खुलेगा। इसमें जो भी आपने अकाउंट का ID पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन जब आप करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि हमारे आज के वीडियो के टॉपिक से अलग है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको कोई आइडिया नहीं किसी इंडिकेटर का, किसी स्ट्रेटजी का, और तब भी आप चाहते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो, तो आप हमारी ये प्रीडिफाइन स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रीडिफाइन स्ट्रेटजी है। इसमें आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज का, कोई इन्फॉर्मेशन का कोई वो आपको नहीं है भी, तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग सिग्नल्स दिख जाते हैं। पहले हम अपनी वेबसाइट्स पर परफॉर्मेंस और हीट मैप के सेक्शन देते थे, जिसमें कि आपको दिख जाता था अच्छे से कि कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। लेकिन अभी नए SEBI के रूल के अकॉर्डिंगली हमें वो सब हटाना पड़ा। अब हम सिर्फ यहाँ पर सिग्नल्स का सेक्शन रखा है, जिसमें कि करंट सिग्नल्स जो अभी चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। बाकी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस काम करेगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपको अपने मशीन पर दिखा देंगे किस तरीके से चीज़ें, बट प्लेटफॉर्म पर वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि आपको इंस्टॉल करना होगा एक इंडिकेटर जिसका नाम है मल्टी इंडिकेटर। उसके लिए आपको जाना होगा ब्रिस्टोल में। ब्रिस्टोल में आप जब मार्केट प्लेस में जाएंगे तो थर्ड नंबर का इंडिकेटर आपको मल्टी इंडिकेटर दिखेगा। इस पर गेट ट्रायल पर आपको क्लिक करना है। गेट ट्रायल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बटन चेंज होकर डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 1 इज कम्प्लीटेड। इसके बाद चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 पे। उसके लिए आपको MT4 इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास MetaTrader 4 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और क्रेडेंशियल्स लेने के लिए उसके लिए लॉगिन की डेमो जो क्रेडेंशियल्स हैं ID पासवर्ड के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहे हैं और जो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन पर कॉल करके। तो अब आते हैं डाउनलोड्स पे। डाउनलोड में अगर आपके पास MT4 अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से MT4 इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे, फाइल इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगी। उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके की एक ये पेज खुलेगा। ये जो अभी पेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है आपका सॉफ्टवेयर MetaTrader 4। ठीक है, अब अपने पास इंडिकेटर डाउनलोड हो गया, MetaTrader इंस्टॉल हो गया, MetaTrader चालू हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है टूल्स में, ऑप्शंस में, और यहाँ पे ना ये अलाउ DLL कर देना। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर ये नहीं किया तो ट्रेड नहीं जाएगा आपका। ठीक है, ये ज़रूरी है। आपको कहाँ जाना है, ऑप्शंस में जाना है, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, और वहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइज़र आएगा, यहाँ पे ऊपर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ DLL इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। ये काम करने से आपका अब लिंकिंग होना बहुत आसान हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद MQL में जाना है, और उसके बाद इंडिकेटर्स में जाना है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर आप MT4 यूज़ करते हैं और आपको नहीं पता नए इंडिकेटर आप गूगल से डाउनलोड करके किस तरीके डालने हैं,
तो भी आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आपको फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL में जाना है और इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे जाके आपको इंडिकेटर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर कॉपी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे हमें कॉपी का बटन मिलेगा, कॉपी के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको पेस्ट किया, आप देखो मल्टी इंडिकेटर यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन ना आपको डिफॉल्ट ये इस वाले स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। देखो आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे ना, आपको दिखेगा नहीं। आपको देखने के लिए इसको राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से लाइब्रेरी रिफ्रेश हो जाएगी और आप अब मल्टी इंडिकेटर आराम से यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसको डबल क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। चार्ट में अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको इनपुट्स में जाना है। इनपुट में जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, सबसे ऊपर की जो सेटिंग है ईमेल और पासवर्ड की सेटिंग है, यानी कि जो AlgoCrab पर रजिस्टर की आपने की है अपनी आईडी, उसको और उसके पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। उससे हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि आपका AlgoCrab का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर क्या दिया है, मूविंग एवरेज, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप सिंगल मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, MA क्रॉसओवर, यानी कि दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। अगर आपको क्रॉसओवर करना है तो आप इसको ट्रू करके यहाँ से क्रॉसओवर भी यूज़ कर सकते हो। अगर सिंगल मूविंग एवरेज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है बॉलिंगर बैंड। उसके बाद है पैराबोलिक सार, RSI है आपके पास, और यहाँ पर CCI है, MACD मिल जाता है आपको, मोमेंटम इंडेक्स मिल जाता है, फोर्स इंडेक्स मिल जाता है, और उसके अलावा ADX मिल जाता है, स्टोकेस्टिक मिल जाता है, OSMA मिल जाता है, एलिगेटर का इंडिकेटर मिल जाता है और विलियम्स का इंडिकेटर मिल जाता है आपको। इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर मिल जाते हैं और उसके नीचे जो है सारी सेटिंग है, किस तरीके से आपको AlgoCrab की सेटिंग करनी है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वो सब चीज़ें, वो सब मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको एक बार फिर से बताऊँगा। तो अभी स्टार्टिंग में चलते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो एग्जाम्पल के लिए कि बॉलिंगर बैंड का क्रॉसओवर, बॉलिंगर बैंड आपको चाहिए इंडिकेटर, उसके बाद पैराबोलिक सार का इंडिकेटर आपको चाहिए और आपको RSI का भी इंडिकेटर चाहिए, तो आपको इन तीनों को ट्रू कर देना है। जब हम इन तीनों को ट्रू करेंगे उसके बाद क्या है कि हम अप्लाई करेंगे चार्ट में और देखेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ चार्ट में लगाना बता रहा हूँ, एल्गो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे बाद में कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो आप पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम ये वीडियो जाएगा। अब ओके करेंगे हम जैसे ही, तो ओके करने पे अब ये इसने रिजल्ट दे दिया यहाँ पे। आपको ये बता रहा है कि टोटल यहाँ पर जो है सिग्नल अभी जो चल रहा है वो सेल का है, 17,927 से सेल आया था और अभी सेल चल रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट हमने क्योंकि दिया नहीं है, अभी बाय टू सेल, सेल टू बाय अगर करते हैं तो 110 ट्रेड में टोटल 3,607 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, मान लीजिए आप इसको कैलकुलेट करो कि भाई पर ट्रेड आपको क्या प्रॉफिट हुआ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप इसका जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे लिखो 36,307 डिवाइडेड बाय 110। एक ट्रेड में आपको एवरेज 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। उस हिसाब से आप अपने ब्रोकरेज वगैरह वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके कर सकते हो। अब ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये है एरो टू एरो, यानी कि बाय टू सेल, सेल टू बाय, बाय टू सेल, सेल टू बाय। अगर आप चाहते हो कि भाई आप कोई स्टॉप लॉस टारगेट भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ इंडिकेटर में। ये तो मैं आपको ये बता दिया कि जो ये अभी इंडिकेटर से रिजल्ट आया, ये तीन इंडिकेटर का रिजल्ट है, मूविंग एवरेज, सॉरी कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यहाँ पे BB है, बॉलिंगर बैंड है, पैराबोलिक सार है और RSI है। इन तीन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन पे जो सिग्नल आए हैं ये उसका रिजल्ट है। अब अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस भी रखना चाहते हैं, जैसे निफ्टी है, ठीक है, अब निफ्टी में आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना है तो उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे नीचे है। सबसे पहले इंट्राडे, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आप इसको ट्रू कर सकते हो, उसके बाद इंट्राडे का टाइम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद मेथड, मेथड में क्या है कि आपको सिर्फ बाय के सिग्नल लेने हैं या सिर्फ सेल के सिग्नल लेने हैं या फिर दोनों साइड के सिग्नल लेने हैं। तो दोनों साइड के लेने हैं तो आप मेट्रो करोगे, ओनली बाय करोगे तो बाय के सिग्नल पे बाय आ जाएगा और सेल के सिग्नल पे ऑर्डर क्लोज कर देगा, ये सेल नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ क्लोज करेगा ऑर्डर को। उसके बाद स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, स्टॉप लॉस में तीन ऑप्शन है, ट्रेलिंग, ब्रेक इवन और नॉर्मल, ठीक है। इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आप मान लीजिए नॉर्मल स्टॉप लॉस आपको रखना है तो स्टॉप लॉस का नंबर मैंने 50 रखा है यहाँ पे, यानी कि 50 का स्टॉप लॉस रहेगा, आपको इसको ट्रू कर देना। ट्रू करेंगे तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से ये अब आपको सिग्नल दिखाएगा। आप देखो, अगर मान लीजिए आप टारगेट भी चाहते हैं, मान लीजिए 1:1 करना आपको, तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अब उसके हिसाब से आपको इसको ओके करना है। जब आप ओके करोगे ना, अब ये रिजल्ट दिखा रहा है कि अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट रखते हो तो आपको 200 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा,
इस तरीके से अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इसको आप थोड़ा बहुत और इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे आप मान लो चाहते हो कि भाई मेरा जो 1:2 हो जाए, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो 85 पॉइंट रहे और टारगेट जो है वो आपका मान लो 100 पॉइंट हो जाए, तो आप यहाँ पे टारगेट को 100 कर सकते हो, 100 करोगे तो 100 के हिसाब से रिजल्ट दिखाने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से ओके कर सकते हो। अब 100 के हिसाब से दिखा रहा है कि 950 पॉइंट का प्रॉफिट आया आपको टोटल 100 ट्रेड्स में, यानी कि 8 पॉइंट के आसपास पर ट्रेड के आसपास का आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके, अलग अलग चीज़ें करके, सेटिंग करके भी देख सकते हो कि कौन सी सेटिंग पे आपको परफेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है, उस सेटिंग को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन, यहाँ पे री एंट्री का ऑप्शन है, री एंट्री को आप ट्रू करोगे तो जैसे बाय के बाद दोबारा से बाय का सिग्नल आएगा तो वो पकड़ लेगा, अदरवाइज अगर आपने री एंट्री को ऑन नहीं किया तो बाय के बाद अगर बाय आएगा तो वो उसको इग्नोर करेगा, सेल का वेट करेगा। नीचे यहाँ पर आपको एपीआई ट्रेडिंग है, अगर आप एपीआई ट्रेडिंग ऑन करते हो तो आपको यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की लिखनी होगी। अब ये यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की क्या है, ये किस तरीके से काम करती हैं, दोस्तों मैं बताता हूँ। हमारा जो प्लेटफॉर्म है एल्गोक्रैप, एल्गोक्रैप पे सिग्नल भेजने के लिए, जैसे कि अभी कोई सिंबल है, अभी हमने मान लीजिए हम MT4 ब्रिज में गए, यहाँ पर हमने एक सिंबल क्रिएट किया, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर निफ्टी का सिंबल चाहता हूँ, तो मैंने निफ्टी का सिंबल सेलेक्ट किया, यहाँ पर निफ्टी के अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर वगैरह, कैश वगैरह सब आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें निफ्टी फ्यूचर चाहिए तो हम निफ्टी फ्यूचर पर जाएंगे, निफ्टी सेप्टेम्बर फ्यूचर है, अक्टूबर फ्यूचर है, नवंबर फ्यूचर है, सब सेप्टेम्बर फ्यूचर अभी चल रहा है, सेप्टेम्बर पे क्लिक किया, हमने सेव कर दिया। अब ये जो सिंबल में हमें यूजर की और इंस्ट्रूमेंट की मिली है, ये क्या है, ये लिंक करेंगी एल्गोक्रैब और MT4 के इंडिकेटर को। जब ये हमें एल्गोक्रैब के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और जब हम इन्हें MT4 में डालेंगे ना, तो अब ये MT4 के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट लिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और उसके बाद मैंने इस वाले को भी कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, अभी मैंने दोनों डाल दिया ना, अब ये हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक हो गया। अब जब भी सिग्नल बनेगा ना, ट्रेड हो जाएगा अपने आप, यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो आप जितनी करनी है, जैसे फिर निफ्टी है तो 50 डाल दिया, 50 के मल्टीपल में जितनी भी आपको डालनी है। अब ओके करोगे, अब ओके करने के बाद ना ये लिंक हो चुका है, अब क्या है कि जब भी सिग्नल आएगा ना तो ये ट्रेड कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो एल्गोक्रैप पे आपने सिंबल क्रिएट किया है, इसको स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी ट्रेड नहीं आएगा, एरर आ जाएगी, आपको लिखा आएगा कि इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो, हम जो है आपको प्रॉपर डेमो देंगे। हमारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 9:30 मॉर्निंग से लेके 5:30 इवनिंग तक अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आप उन इन बिटवीन कॉल कर सकते हो। अगर आप सुबह के वक्त कॉल करेंगे या रात के वक्त कॉल करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि कई बार होता है चांसेस कि फ़ोन ना मिले, ठीक है, या बात ना हो पाए आपकी, लेकिन 9:30 to 5:30 अगर आप कॉल करेंगे प्रॉपर आपकी बात हो पाएगी। तीन नंबर मैंने आपको दिए हैं, तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 6 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको प्रोसेस समझाया, देखिए आप कितना आसान प्रोसेस है, ठीक है, कितनी सारी फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स हम आपको दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। चार्जेस की मैं बात करूँ तो अगर आप ये वाला MT4 ब्रिज का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1000 रुपये का पड़ेगा मात्र, और 1000 रुपये में आपको MT4 का डेटा भी अवेलेबल है। वहीं अगर आप इंडिकेटर परचेज करना चाहते, जैसे आप मल्टी इंडिकेटर पे जाएंगे तो 500, तो टोटल खर्चा आपका 1500 रुपये का आएगा एक महीने का। काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, प्लेटफॉर्म पे आपको चीज़ें सारे आसानी से दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। सपोर्ट हमारा 9:30 to 5:30 है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।